हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो। सो आपको याद होगा कि जब मैं ये नेशनल से पहले एक चीज़ करता था, वो है डंबल्स पे पीआर हिट करना, 50 kg के डंबल, 55 kg, 60 kg, और आप लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया था। तो मैंने अपने नेशनल कॉम्पिटिशन से 2-3 हफ्ते पहले बंद कर दिया था वो, क्योंकि ऑब्वियसली उससे फटीग होता था। तो अभी मेरे को जानना है कि क्या मेरे में वो सेम स्ट्रेंथ आज भी है, बिकॉज उसको करीब करीब 1 महीना होने को आ गया है। तो मैं आज ट्राई करने वाला हूँ 60 kg वापस से। मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है, बेंच प्रेस में 60 kg के डंबल से 3 रैप लगाए थे, और ये एक डंबल 60 kg का है तो 120 kg हो जाता है टोटल आपके हाथों में। तो मैंने लास्ट टाइम 3 रैप लगाए थे, तो क्या अभी 3 रैप या 4 लग जाए, एक्स्ट्रा लग जाए तो मज़ा आ जाए, तो अपन ट्राई करेंगे। एंड उससे पहले मेरा डेडलिफ्ट्स है, तो डेडलिफ्ट मैं पहले करूँगा एंड उसके बाद वो ट्राई करूँगा। एंड लेट्स गो, चलते हैं। आज से 1 हफ्ते पहले तक, मतलब आज से 2 दिन पहले तक, पूरे 8 दिन मैं बैक पेन से परेशान रहा हूँ। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। और आज पता नहीं क्यों, मैंने अभी ये सेट किया, मुझे बैक पेन नहीं हो रहा था। तो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक मुझे उतना फील नहीं हुआ पेन। सो देखते हैं हैवी सेट में फील होता है यानी पेन, अगर नहीं हुआ इसका मतलब चला गया है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो बेसिकली अगर मुझे 3 से 4 क्यूज में डेडलिफ्ट को समझाना है कि कैसे डेडलिफ्ट को इनिशिएट करो, कैसे उसको करो, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग इंस्पायर होकर डेडलिफ्ट करते हैं, गंदे फॉर्म से करते हैं, मुझे टैग करते हैं, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इंजरी होती है, फिर मुझे गालियां दोगे। सबसे पहले पैर को सेट करो, बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं, वेयर एवर यू आर कंफर्टेबल, सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट चीज़ इज क्रिएटिंग टेंशन ऑन द बार। सबसे पहले टेंशन क्रिएट करना होता है बार पे। सो मैं ऐसे जाता हूँ, ठीक है, और आई ट्राई टू पुल माई सेल्फ इन टू द बार, ऐसे ये, तो ऑलरेडी बार पे टेंशन आ जाता है, जिससे कि वो ऊपर की तरफ खींचना, इसको स्लैक पुल भी करना बोलते हैं। देन मैं अपने हिप की पोजिशन को सही जगह में लाऊंगा, जहाँ पे हिप मेरी सबसे पावरफुल फील करती है, ठीक है। थर्ड, आई विल क्रिएट अ वेज। वेज का मतलब हो गया इस चीज को ओपन अप करना, ऐसे टू क्रिएटिंग अ स्पेस, जिससे कि ये ऊपर आए। सो सेटिंग द हिप पोजिशन, वेज क्रिएट करना, और लास्टली लेग्स को यूज करके, लेग ड्राइव को यूज करके पहले नीचे की तरफ पुश करना एंड देन पुल करना। सो दिस, सबसे पहले बार पे टेंशन क्रिएट की, ये हिप्स जहां पे मुझे सबसे अच्छा फील हो रहा है, एंड देन वेजिंग, एंड देन अप। ये है 200 kg, 200 kg पे 2 रैप्स करेंगे, और लास्ट जो मेन सेट होगा 215 kg पे 6 रैप्स ट्राई करेंगे, जो कि 6 रैप्स आने चाहिए RP5 के अराउंड। देखते हैं, अभी भी बहुत दूर है यार, कंपटीशन का लेवल पता है, मैं चेक कर रहा था पावर लिफ्टिंग इंडिया के पेज पे, तो 93 kg कैटेगरी में जो डेडलिफ्ट जाती है वो जनरली 270-275 जा रही है मैक्स, और मेरी आई गेस 265 तक होगी। सो आई थिंक मेरे को 10 kg इम्प्रूव करना है 2 महीने में, पॉसिबल है। ये है मेरा मेन सेट, 215 kg, 6 रैप्स। ऐसा नहीं है कि आना चाहिए, बहुत इजीली आना चाहिए, दैट्स व्हाट माय कोच हैज सेड, इट शुड कम वेरी इजीली। आएगा वो, हम मुझे भी पता है, बट कितना इजी आता है वो मेरे लिए विक्ट्री होगा। तो बिल्कुल मक्खन। Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks
building like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook. Yeah, I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you trust me, get out your heels. Back to my place at the top of the hill. She need a fresh up, look at the mix, don't make me beg. Show you my bed, touching on your body feels like taking on the drug. You got me feeling good. So 215 पे 6 लगे, बट मुझे लगता है कि काफ़ी डेडलिफ्ट से मैंने ब्रेक लिया है सही तरीके से, और ट्रैवल वगैरह के कारण ये थोड़ा टफ था. मुझे लगता है और इजी आना चाहिए, बिकॉज मैंने 215 पे 6 पॉज मार रखे हैं. तो जैसे ही आप ब्रेक लेते हो ना, 10 दिन 15 दिन कुछ भी, तो एक फ़र्क तो पड़ता है, बट फर्क एक हफ्ता या दो हफ्ते में चले जाता है. सो डोंट वरी, इसको दिमाग को उतना नहीं लेना. तो अभी वेट कम करेंगे, थोड़े रेपिटेशन वर्क करेंगे, और फिर वो डंबल ट्राई करेंगे, जो कि मुझे अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज थोड़ा एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है. बट स्टिल ट्राई तो करूँगा. Up just like a flame, body in motion. I feel the commotion beyond you like lotion. I'm honest and broken. I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me. I'm broken. My heart that you've stolen. Ay, stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave. Chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me, and I really don't want you to touch me. Your body feels like taking on a drug. You got me feeling good. Yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good. Yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good. Yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good. Yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion, beyond you like lotion. I'm honest and broken, I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me, I'm broken. My heart that you've stolen, hey. Stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave. Chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me, and I really don't want you to touch me. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me. So pehla round kiya 40 kilo ke saath. Abhi mere ko try karna hai 60 kg ke dumbbell. बट मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन है, मतलब डेडलिफ्ट करते वक्त फील हो रहा था कि आज मेरा बेस्ट डे नहीं है. और आपके आप अगर सीरियसली जिम करते हो तो आपको भी पता होता है कि हफ्ते में एक दो दिन ना थोड़े ऑफ जाते हैं, तो वैसा थोड़ा दिन है, फटीग होगा. कल रात को नींद सही से नहीं ली है, 4 घंटे ही सोया हूँ. मे बी उसका असर है, पता नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा. ट्राई तो पक्का ही करके जाऊंगा. ये है 50 kg का डंबल. कितना क्लोज पहुंच जाऊंगा मैं लैरी व्हील्स के नेचुरली, वो मुझे देखना है कि क्या मैं मतलब कभी लाइफ में 70 kg टच कर पाऊँ. वही बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज बहुत कम लोग कर पाते हैं. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it. फिर भी कितना चिकन खाता है? वैसे तो हो ही जाता है 500 तो दिन का. 500 grams चिकन खाता है ये. अभी कटिंग में हो इसलिए. बहुत खाता है, खाते रहता है. जिम में खाते रहता है. मेरी डाइट इससे कम है मुझे लगता है. तो क्या लगता है, 60 जाएगा पक्का? अब इसने पक्का बोला है, देखते हैं जाएगा. चल. सो गाइस, मैं ये डंबल वाला ना जो चीज़ करता हूँ उसमें मेरा इंस्पिरेशन लैरी व्हील्स है. अब ऑब्वियसली मैं लैरी व्हील्स को मैच नहीं कर सकता, 1 in a billion है वो. जेनेटिक्स, हार्डवर्क, सब कुछ ऑब्वियसली नेचुरल भी नहीं है, लेकिन मैं स्टिल ट्राई करूंगा. मैं जितना खींच सकता हूँ डंबल में खींचूंगा उतना. वो तो 70-80 kg के डंबल करता है. मैं जितना पास 10 भी लगा लिया ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैंने नेचुरल में बहुत कम लोगों को देखा है 60 kg के डंबल लगाते हुए अपनी लाइफ में. तो 7 साल से जिम करते हुए, तो जितना मैं उसके पास भी पहुँच जाऊँ अपने इंस्पिरेशन के, मेरे लिए वही बड़ी बात होगी. A student though, work
working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All the social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly. Everyone's invaded, privacy is naked. And I really hate it, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive. So guys, फिर से तीन रैप लगे। भाई, भाई पे विश्वास है। तीन रैप वापस से, बट मैं खुश हूँ क्योंकि इतने दिन बाद किया, डेडलिफ्ट्स लगाने के बाद किया। और पता है क्या, अगर फॉरेन जैसे डंबल हो ना, जो छोटे कॉम्पैक्ट होते, ये बहुत बड़ा डंबल है। मेरे रिस्ट से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इधर उधर हो रहा था, इसके लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, जानता है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। कोई नहीं, मैंने ज्यादा रोल प्ले किया, ज्यादा उठाया। नेक्स्ट टाइम आई एम चैलेंजिंग, अगर ये वीडियो बनती है 60 kg के डंबल की तो 5 होगी पक्की बात है। वर्कआउट से ज्यादा एनर्जी रिएक्ट करने में जा रही है। So guys, powerlifting में यही एक चीज जो मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है कि आप बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, बहुत कम होती है, मतलब 4 एक्सरसाइज होती है या 5 मैक्स, और उसमें भी फेलियर नहीं जाना होता, अपने आप को रोक के रखना होता है, बॉडी बनाने को उतना ध्यान नहीं रहता। और पिछले 2.5 महीने से मैंने हार्डली बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन किया है, हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग है, 2 दिन रेस्ट, मतलब 3 दिन रेस्ट हो गया, सिर्फ 4 दिन वर्कआउट है, तो फिर भी ठीक ठाक हाल से बॉडी मेंटेन है, बट फैट परसेंटेज ऑब्वियसली हाई है, सो फिर भी आई विल बी ऑनेस्ट, जो बॉडी है आई विल शो यू, बॉडी पर किसी भी दिखाता हूं। Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm not one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah. People tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one. So guys, ये थी आज की वीडियो। I think कि मेरी जो स्ट्रेंथ थी आज सबसे बढ़िया नहीं थी, maybe because मेरा रिकवरी सही नहीं चल रहा है। I think मेरे को सोचना पड़ेगा। तो कभी भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, सोचो रिकवरी गलत है, प्रोटीन इंटेक सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, कुछ तो गलत हो ही रहा होगा, तभी परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है। एक दिन नहीं, 2-3 दिन लगातार आ रही है, तो कुछ तो दिक्कत होगी। आई थिंक मेरा रिकवरी वाला सीन है, आई एम स्लीपिंग ओनली 4-5 आवर्स, सो दैट्स अ मेन थिंग। जैसा कि मैंने शायद इंस्टाग्राम पे भी बोला था कि आई एम प्लानिंग कि मैं आज से 1-2 साल बाद मे बी कम्पीट करूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक मेरी बॉडी अभी रेडी है उस चीज़ के लिए, और पावर लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ तो वो गोल से हटना नहीं है। मे बी आफ्टर 2 ईयर्स, सो विच कैटेगरी विल बी बेस्ट फॉर मी इन बॉडी बिल्डिंग, आई थिंक क्लासिक, बिकॉज मेरे पास लेग्स है ठीक ठाक साइज़ के, सो क्लासिक मेरे को सबसे सही भी लगता है। सो क्योंकि मेंस फिजिक के लिए आई थिंक बहुत छोटा वेस्ट चाहिए, एंड आई डोंट हैव दैट, और एक लैट इंसर्शन भी मेरा काफ़ी हाई है, तो चौड़ाई नहीं दिखेगी, वीडियो पर उतना नहीं दिखेगा। सो मे बी आपका क्या सजेशन है? आई थिंक क्लासिक विल बी द बेस्ट थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, बाय, लव यू, टेक केयर।